बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमरा एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करते हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो बेसिकली क्या होगी कि हमने एक पिक्चर लेकर आनी है यहाँ पे, लेकिन उसका कलर और इसका जो पिक्चर का कलर होगा और जो पीछे बैकग्राउंड का कलर है ये किस तरह से सेम आएगा, यानी फिर लड़की को अगर हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो वो नजर आएगी कि हमने किसी और जगह से उठा के यहाँ पे उसकी पिक्चर को हमने पेस्ट किया, तो उसकी एडजस्टमेंट हम किस तरह से करेंगे। लेकिन वो दो जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यह हमारे पास एक लड़की की पिक्चर है, यहाँ से हमने इसको मूव करना है, यहाँ पर ला के हमने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म को मैं ऑन करती हूँ, यहाँ से मैंने शो ट्रांसफॉर्म को ऑन किया है, यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, यहाँ से मैंने इसको ओके किया, यहाँ से मैं इसको ओके करती हूँ, यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म को मैं ऑफ करती हूँ। अब हम आते हैं यहाँ से एडजस्टमेंट, सॉरी इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ पे कलर मैच। जैसे ही क्लिक करूंगी कलर मैच पे तो हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा, यहाँ से हम कलर्स की एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ सोर्स पे हमने पिक्चर का नाम रखना है। यहाँ पे पिक्चर का नाम था डाउनलोड 3 PNG, यहाँ से इस पर क्लिक किया। अब हम यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, राइट साइड पे लेके जाऊंगी तो ये पिक्चर और ब्राइट होती जा रही है, लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगी तो इसकी एडजस्टमेंट हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं पिक्चर में वही शेड आ रहा है जो पीछे बैकग्राउंड में शेड है। यहाँ से हमने इसकी कलर इंटेंसिटी को भी हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी इसको हम एडजस्ट करते हैं। इसको मैंने किया ओके, ये आप देख सकते हैं हमने किस तरह से बैकग्राउंड का जो कलर था इस पे एडजस्ट किया और इन दोनों को हमने सेम कर लिया। ये लड़की की ये, अब आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट की। ये थी आज की क्लास, आई होप आज की क्लास पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।